डॉली, चलो आप लोग एंजॉय करो, हम लोग भी आ रहे हैं कुछ दिन के बाद, फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, ठीक है, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, पानी टाइम पे पीते रहना, है ना, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और पॉली, पॉली की नींद अभी नहीं टूटी। पॉली बाय बाय, पॉली पॉली, ये देखिए, ये सुबह सुबह इनका नजारा है, साथ ही जाएंगे तो ये हमने ले लिया है, तो ये हमारे साथ जाने वाले हैं। एक ग्रीन और येलो ले रखा है, और चार ये जो है बंगला पाखी करके करके है कुछ, तो ये हमारे साथ जाएंगे। तो अभी इनको अभी कार में हमें रखना है, बस यही है, सारी चीज़ पैकिंग हो चुके हैं, तो बस इनको साथ में रखना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है करीब टाइम जो हो रहा है 5:15 हो रहा है, और हम लोग जो है एक लॉन्ग 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 ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, तो मैं आपको बीच बीच में अपडेट करती रहूंगी। तो चलिए हमारे साथ, हाँ, ये लॉन्ग ड्राइव का प्लान हमारा बन गया, पहले से ही प्लान था, बट डिसाइडेड नहीं था कि हाँ कब निकलना है, तो बने रहिए हमारे साथ। बस फ्रेंड्स, अभी 10 मिनट में जो है हम निकलने वाले हैं यहाँ से, और काफ़ी लंबी जर्नी है क्योंकि हम जा रहे हैं जो अपने होम टाउन जा रहे हैं, जी हाँ, यूपी में जा रहे हैं। और कैसे ये सफ़र रहेगा, और ये हम हुंडई कर के दे रहे ना अंकल। आदि तुम ले लो, आकाश तुम भी पियोगे? वो नहीं पिएगा, दे दीजिए जो बच्चा है उस बच्चे को दे दीजिए। हालत खराब है, 350 से 400 किलोमीटर की सफर जो है हमने तय कर लिया, और हमने वेस्ट बंगाल में ही स्टार्टिंग में जो है हम काफी जाम में फंस चुके हैं। तो जो है अभी हमने डिसाइड किया है फाइनली कि अब हम जो है नेक्स्ट से हमें करना पड़ेगा, तो अब जो है हम यहाँ से जो है डायरेक्टली जो है अभी हम यहाँ पे गिरिडीह के आसपास हैं, और दोपहर का भी टाइम हो चुका है, 2 बज गया है, तो सभी लंच के लिए रुके हुए हैं। बस यही झारखंड का एक चलता जो है लाइन ढाबा है, तो सिंपल से बस दाल चावल सब्जी यही बस खाने का मन कर रहा है, बस वही खाएंगे हल्का फुल्का, और फिर निकलेंगे। और करीब हम 4:35-30 के करीब
घंटा आपको देके आते हैं। हट जाओ काम। मैं बस कुरकुरे। लो। कितने का दे? कोलकाता से फ्रेंड्स हम लोग को करीब हमने 6:30 जो है वहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और इतना ट्रैफिक, इतना ट्रक, इतने सारे जो है मतलब बीच में रुकावटें आती गई कि हमें वेस्ट बंगाल से निकलते निकलते ही काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। अभी देख रहे हैं आँखें बिल्कुल जो है थकी थकी से लग रही है। करीब जो है नॉन स्टॉप जो है बीच में हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह रुके थे, लंच के लिए रुके थे, और उसके बाद से जो है नॉन स्टॉप जो है गाड़ी चल रहा थे ये रहे, और करीब 500 किलोमीटर जो है हमने सफ़र तय करके जो है फाइनली जो है हम गया में पहुँच गए हैं। और गया का प्लान जब है कि हम हेलो कैसा लग रहा, थक गए हो? बहुत ज्यादा थक गए। अभी वो तो दिखा देते हैं। हाँ वो भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा दिखा देते हैं एक मिनट। तो फ्रेंड्स ये बर्ड्स की भी हमें जो है चिंता लगी हुई थी, तो यहाँ पे बैक कैमरा करके आपको दिखा देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो है अब गर्मियाँ भी पड़ने लगी है, तो अब बर्ड्स की भी काफ़ी चिंता थी, बट हमने काफ़ी अच्छे से इसे लाया। और डिक्की जो है थी हमारी ओपन थी, तो अंदर के एसी के जो एयर था ब्लोइंग उससे काफ़ी अच्छा से ठंडा हो रहा था, और इनको टाइम टाइम पे जो है हमने खाना वगैरह देते रहे और पानी जो है इसके अंदर डालते रहे, तो ये काफ़ी अच्छे से बिल्कुल सेफली आ गई हैं। बस आधा से अधिक सफ़र जो है कट गया है। अब कल जो है करीब 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर और हमें जो है सफ़र इनके साथ तय करना है, और इन्हें सेफली इनके मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये देखिए इनका अभी ये काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं जिस तरह हम महसूस कर रहे हैं, तो अभी जो है बुरी तरह से जो है थके हुए हैं, और बिल्कुल 500 किलोमीटर जो है नॉनस्टॉप बिल्कुल ड्राइविंग हुई, और खाते पीते बातें करते गाना सुनते रील्स बनाते हुए जो है हम लोगों ने ये सफ़र तय किया। और कल जो है अब जब आ गए हैं तो देखिए हो सकता है कि भगवान की महिमा हो या चाहते हो कि बस आप लोग रुक जाइए इधर ही, तो इसलिए गया में हम वन नाइट स्टे कर रहे हैं। और सुबह में जो है राजगीर तो थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ जाएगा, और एक मेरी फ्रेंड भी यहाँ पर रहती है तो उनसे भी थोड़ी जानकारी बहुत मिल गई, तो हम जो है भाई भी मेरा यहाँ पर पहले रह चुका है, यहाँ पर काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया हुआ तो यहाँ पर रहा, तो उसने भी बोला कि नहीं आप लोग सिर्फ बोध गया करके, तो वही है बोध गया वाला एरिया। सुबह में आज तो वैसे भी थोड़ा सा अनजान शहर है और अंधेरा, रोड भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चारों तरफ जो है पूरे ढलने से चल रहा है, तो जगह भी नहीं है और दिक्कत होगी फिर, और थके हुए भी हैं तो कहीं घूमने की जो है इच्छा भी नहीं है। तो अब जो है सुबह में जो है हम उठेंगे बिल्कुल फ्रेश होकर, और सुबह में जो है हम बोध गया जो है दर्शन करेंगे, और बोध गया में क्या क्या है कोशिश करूंगी मैं आपको दिखाने के लिए वहाँ की झलकियाँ। तो अभी जो है ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और कल सुबह जो है आपको जो है बोध गया की जो झलकियाँ मिलेंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।